हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू वीडियो। सो पता है बहुत दिनों बाद लिटरली वीडियो आ रही है, लगभग 1 मंथ बाद। सो माफी चाहूंगा इतना लेट होने के लिए, आई एम सॉरी बाबू, बट आ चुके हैं हम फाइनली एंड कुछ अच्छा सीखने की कोशिश करेंगे एंड सिखाने की मैं कोशिश करूंगा आप सभी को। ओके, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एंड जो लोग भी बाइनरी ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, कंटिन्यूसली लॉस बुक कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मेरे पास एक सजेशन है कि आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल चेकआउट कर सकते हो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जिसका नाम है प्रॉक्सी ट्रेडर ऑफिशियल। ठीक है, जहां पर मंडे टू फ्राइडे हर रोज सिग्नल दिया जाता है। ठीक है, एंड सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी आप ट्रेड देखोगे वहां पर हर एक सिग्नल का रिजल्ट लाइव कैमरा ऑन करके प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, सो ट्रस्ट आपको 100% मिलेगा। हर एक सेशन के बाद मेंबर्स के रिजल्ट भी प्रोवाइड किए जाते हैं, हर एक चीज़ आप चेक करो। और मैं कभी भी आपको पहले से नहीं कहूँगा कि आप मेरा VVIP चैनल ज्वाइन करो। ठीक है, पहले आप हमारा ऑफिशियल ग्रुप ज्वाइन करो। सिंपल सी बात है, अगर आपको हमसे बेनिफिट नहीं मिलेगा तो मेरा कोई अधिकार नहीं बनता कि मैं आपको बोलूँ कि आप VVIP ज्वाइन करो। ठीक है, VVIP भी एब्सोल्युटली फ्री है, मैं पहले से आपको नहीं कहूँगा ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, क्योंकि VVIP में आपको हमारे लिंक के थ्रू ज्वाइन करना पड़ता है। ओके, सबसे पहले आप क्या करो, ऑफिशियल ग्रुप में ज्वाइन करो, देन आपको अगर बेनिफिट मिल रहा है डेफिनेटली फिर आप हमारे VVIP ग्रुप को ज्वाइन करके और भी एक्सटर्नल प्रॉफिट कर सकते हो। ठीक है, हर एक फीडबैक, हर एक सेशन का लाइव रिजल्ट, हर एक चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं। डेली VVIP का जो कि रिजल्ट रहते हैं वो हम वीडियो फॉर्मेट में विथ माई रिजल्ट विथ मेंबर्स रिजल्ट अपडेट करते हैं। ठीक है, तो हर एक चीज़ आप चेकआउट कर सकते हो। एंड सबसे बड़ी बात मैं बोल सकता हूँ, मतलब गर्व करके, कि 6 महीने से 7 महीने होने वाले हैं हमारे ग्रुप को लगभग। ठीक है, आज तक एक भी सिंगल डे में मैंने क्लोज नहीं किया है। ठीक है, और ये शब्द हमने कभी यूज़ ही नहीं किया है कि टुडे मार्केट इज़ वॉलेटाइल विल रिकवर टूमोरो। ठीक है, तो जब आप ग्रुप को चेकआउट करोगे तब आपको ये सब चीज़ें पता चल जाएगी। ओके, सो गाइस बहुत बोल दिया एंड अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ओके गाइस, सो बहुत सारे लोग मुझे ना लिटरली बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनाते, बनाओ यार, हमें कुछ सिखाओ यार, कुछ तो पता चले हमें भी। ठीक है, सो फाइनली मैंने सोचा कि चलो स्टार्ट कर ही देते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न से एंड लोग उसको यूज़ करके थोड़ा बहुत प्रॉफिट कर सके तो उनको भी खुशी मिलेगी एंड मुझे भी खुशी मिलेगी। सो आज का जो हमारा टॉपिक है मारुबोजू। ठीक है, सो मारुबोजू जो है ये एक जैपनीज वर्ड है जिसका मतलब है शक्तिशाली, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, शक्तिशाली। सो इसीलिए इस कैंडल का नाम है मारुबोजू, क्योंकि ये जो कैंडल है बायर्स कैंडल बहुत शक्तिशाली बनती है एंड जो सेलर्स कैंडल होती है वो भी बहुत शक्तिशाली बनती है। ठीक है, तो टोटली मैं बताऊंगा आपको कैसे क्या प्रोसेस है। अब सबसे पहले यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर क्लियरली लिखा है क्लोज हाई। ठीक है, यहाँ पर देखो ओपन लो। ठीक है, अब ये आपको पता ही होगा कि कैंडल का जो ये ग्रीन कैंडल का जो ये बीच वाला एरिया होता है, जैसे कि ये वाला एरिया, इसको बॉडी कहा जाता है कैंडल का। ठीक है, और ये ग्रीन का भी रेड का भी, इसको भी बॉडी कहा जाता है। और जो नीचे वाला एरिया होता है ये ओपनिंग एरिया होता है ग्रीन कैंडल का। ठीक है, ओपनिंग एरिया होता है एंड ऊपर वाला एरिया क्लोजिंग एरिया होता है। एंड रेड कैंडल की अगर बताऊँ तो ये यहाँ पर होता है इसका ओपनिंग एरिया एंड ये होता है रेड कैंडल का क्लोजिंग एरिया। सिंपल, तो ये कैंडलस्टिक का जस्ट छोटा सा समरी है कि कैंडलस्टिक का बॉडी क्या होता है, ओपन कहाँ से होता है एंड ये मतलब क्लोजिंग कहाँ पे होता है। तो सिंपल है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे ये मारुबोजू है क्या, ये क्या भला है। ठीक है, तो सिंपली अगर मैं बताऊँ, ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि अगर आपको मार्केट पर अगर दिखता है तो उसको फॉलो करके आप लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग कर सकते हो। अब ये हर एक जगह मतलब वर्क करते, स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग करते हैं वहाँ पर भी वर्क करता है, फॉरेक्स में भी वर्क करता है। ठीक है, सो अलग अलग है। अब यहाँ पर मैं समझाने वाला हूँ मारुबोजू क्या है। अब अगर ये पर्टिकुलर आप इस कैंडल को देखोगे अच्छे से तो इस कैंडल में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, कैंडल में कोई भी विक्स नहीं है। ठीक है, कैंडल में कोई भी विक्स नहीं है,
सिंपली कैंडल बन रखा है, फुल स्ट्रॉन्ग कैंडल है, चाहे ये ग्रीन हो चाहे रेड हो, दो कैंडल बनती है आपको पता है मार्केट में, एक ग्रीन होती है एक रेड होती है, एक इंक्रीज होता है प्राइस एक से डिक्रीज होता है प्राइस, तो इंडिकेशन जो हमें मिलता है ग्रीन एंड रेड से ही मिलता है। सो यहाँ पर देखो एक ग्रीन कैंडल है एक रेड कैंडल है, इनका कोई भी विक्स नहीं है। अब विक्स क्या होता है ये भी मैं एक बार बता देता हूँ, आपने देखा होगा कैंडल के नीचे कुछ ऐसा बनता है, ठीक है, ऐसा होता है कैंडल के नीचे कुछ ऐसा टाइप का, ठीक है, सीधा लाइन जैसा होता है, इसको विक्स कहा जाता है कैंडल का, ठीक है। तो ये इसमें नहीं है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक है। सो जब कोई भी विक्स नहीं बनती है कैंडल में से, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है, प्रॉपर प्राइस कैंडल बनता है, तो उस टाइम उस कैंडल को मारुबोजू कैंडल कहा जाता है। अब बात करते हैं कि इसके बाद क्या होता है, ठीक है, इस कैंडल के बाद क्या होता है, तो इसके बाद अगर ग्रीन कैंडल बनता है तो राइज इन प्राइस, एंड अगर रेड कैंडल बनता है मारुबोजू तो फॉल इन प्राइस, ठीक है। अगर ये ग्रीन कैंडल बना है कितना स्ट्रांग, उसके बाद मार्केट जो है वो आपके तरफ ही जाने वाला है, ठीक है। अगर रेड कैंडल बनता है तो उसके बाद मार्केट डाउन के तरफ ही बढ़ने वाला है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर ट्रेड टाइमिंग कन्फर्मेशन क्या है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि हमें ट्रेड कितने टाइम की लेनी है, ठीक है। तो सिंपली 1 मिनट के चार्ट पे आप 1 मिनट के लिए जा सकते हो, मैक्सिमम 3 मिनट के लिए जा सकते हो, तो वो बेटर रिजल्ट देता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये मारुबोजू का थोड़ा सा बताया आपको, मैं दूसरा इमेज में चला जाता हूँ। ओके गाइस, सो देन आप यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, मैंने यहाँ पर एक इमेज लगा रखी है एंड यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा मारुबोजू फुल। यहाँ पर देखो बेयरिश लिखा है, यहाँ पर देखो सॉरी बुलिश एंड बेयरिश लिखा है। बुलिश का मतलब होता है ग्रीन कैंडल मतलब अप डायरेक्शन, एंड बेयरिश का मतलब होता है रेड कैंडल या फिर डाउन डायरेक्शन, ठीक है, सिंपल। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कितने टाइप का होता है। एक्चुअली ये 2-3 टाइप का होता है मारुबोजू फुल, एक में विक्स बिल्कुल भी नहीं होता और एक में थोड़ा बहुत ऊपर के तरफ विक्स होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो और यहाँ पर भी देख सकते हो, ठीक है। तो कुछ ऐसे टाइप के भी होते हैं, थोड़ा बहुत एक साइड विक्स आपको देखने को मिलेगा। एक तो होता है कि ये नीचे के तरफ आपको विक्स देखने को मिले रेड कैंडल पर, और एक होता है यहाँ पर कि आपको ऊपर के तरफ रेड कैंडल पर विक्स देखने को मिले, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये नीचे के तरफ एक रेड ग्रीन कैंडल पर विक्स दिख रहा है, यहाँ पर ऊपर की तरफ दिख रहा है। तो ये सारे ही मारुबोजू के पैटर्न हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, आप इनको यूज़ करके ट्रेड प्लेस कर सकते हो, ठीक है, सिंपल है, एकदम सिंपल है। सो ये मारुबोजू के कुछ 2-3 टाइप भी होते हैं, कुछ ऐसे ऐसे पैटर्न में भी ये लोग फॉर्म होते हैं। ओके, सो अब मैं इसको दिखाता हूँ कि ये एक्चुअली मार्केट में कैसे फॉर्म होता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक। ओके गाइस, सो यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, ये वाला एक एरिया है, ठीक है। अब यहाँ पर मारुबोजू कैंडल कौन कौन से हैं जो कि यहाँ पर मार्क कर रखे हैं ना, क्लियरली ये सारे मारुबोजू है, ठीक है। उसके बाद की मूवमेंट आप देख सकते हो, यहाँ पर अगर आप क्लियरली देखोगे एक ग्रीन कैंडल बनी जिसका ऊपर थोड़ा सा वीक्स है, जो मैंने आपको प्रीवियस में अभी दिखाया पैटर्न, तो ये मारुबोजू कैंडल, उसके बाद कंटिन्यूअसली मार्केट ऊपर गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक मारुबोजू कैंडल बना, उसके बाद कंटिन्यूअसली मार्केट ऊपर गया। अब यहाँ पर देखो एक मारुबोजू रेड कैंडल बने, उसके बाद कंटिन्यूअसली मार्केट नीचे गिर रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर देखो मारुबोजू लिखा भी है और ये 3 कैंडल को 4 कैंडल को इंडिकेट भी कर रखा है, जो कि मारुबोजू कैंडल है, मार्केट में कैसे फॉर्म होती है, ठीक है। तो इसको फॉलो करके भी आप डेफिनेटली ट्रेड प्लेस कर सकते हो लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में। अब यहाँ पर बात आती है कि सर हम इसको 1 मिनट के चार्ट पे यूज़ करें, 5 मिनट के चार्ट पे यूज़ करें या फिर कुछ और, आप किसी भी चार्ट पे यूज़ कर सकते हो, बट पेशेंस, जब आपको मिलेगा ये पैटर्न तब आपको ट्रेड लेना होगा। अगर आप 5 मिनट का चार्ट यूज़ कर रहे हो तो उसमें ज़्यादा वेटिंग टाइम होगा, 10 मिनट का यूज़ करो उसमें और भी ज़्यादा वेटिंग टाइम होगा, 1 मिनट में आपको जल्दी देखने को मिलेगा, बस इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं है, ठीक है, सिंपल। अब ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पर एक और है, ये भी मैं दिखा देता हूँ आपको कि ये एक फुल मार्केट का इमेज है, सेल बिलो द बेयरिश मारुबोजू। ओके, यहाँ पर अगर आप देखोगे एक मारुबोजू कैंडल बना जिसका कोई भी विक्स नहीं है, बिल्कुल भी विक्स नहीं है, ना आपके तरफ है ना डाउन के तरफ। उसके बाद यहाँ पर देखो आपकी जो एंट्री होगी वो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे होगी, ठीक है, एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे आपकी एंट्री होगी। मैं आपसे एक बार आपको क्लियरली दिखाता हूँ, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आपकी एंट्री होगी, उसके बाद देखो मार्केट क्लियरली डाउन के लिए गया है। अब ये मान लो ये कैंडल 1 मिनट का चार्ट है, 1 मिनट का चार्ट है, ठीक है। सो यहाँ पर आपका जो एग्जिटिंग टाइम होगा मतलब एक्सपायरी टाइम होगा वो 2 मिनट आप रख सकते हो बेटर रिजल्ट के लिए, 3 मिनट रख सकते हो बेटर रिजल्ट के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों वर्क करेंगे, ठीक है। 5 मिनट में आप 10 मिनट का रख सकते हो, 15 मिनट का रख सकते हो, वो भी ठीक ठाक है,
ओके तो सिंपल आई थिंक मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा। यहाँ पर ये क्लियरली आपको दिख रहा है, इसका कोई विक्स नहीं है, मतलब मारुबोजू कैंडल, ठीक है। तो ये देखकर आप समझ सकते हो, जैसे कि यहाँ पर देखो एक पैटर्न है हैमर, ठीक है, ये क्लियर देखकर पता चल रहा है हैमर है, उसके बाद रिवर्सल हुआ। तो अभी मैं हैमर नहीं समझा रहा हूँ आपको, जस्ट मारुबोजू समझा रहा हूँ, ठीक है। सो इसको हटाते हैं, अब इसको भी एक बार देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने आपको प्रीवियस सबसे पहले जो फोटो में दिखाया था, यहाँ पर भी आप देखो बुलिश मारुबोजू वर्सेस बेयरिश मारुबोजू, नो अपर विक्स, उसके बाद नो लोअर विक्स। एक ऐसा होता है, पहली बात तो एक मारुबोजू होता है जिसमें कोई अपर विक्स नहीं होती, लोअर विक्स नहीं होती। एक में एक मारुबोजू होता है जिसमें अपर विक्स होती है, लोअर विक्स नहीं होती, या फिर लोअर विक्स होती है या फिर अपर विक्स नहीं होती, ऐसा होता है, ठीक है। और जो मैंने आपको कैंडल का बताया था, ये देखो यहाँ पर भी क्लियरली है कैंडल, अगर ग्रीन कैंडल है तो जो उसका वीक बनता है उसको हाई कहा जाता है, ठीक है। कितना हाई तक मार्केट गया था, उसके बाद रिजेक्ट करके नीचे आया, ये क्लोजिंग एरिया है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पर मार्क भी कर रखा है, ये ओपनिंग एरिया है। और जो कि रेड कैंडल होता है उसका ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट ओपनिंग एरिया होता है, ओके। और नीचे वाला पॉइंट क्लोजिंग एरिया होता है, जो कि ये क्लियरली मार्क करके रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर कैंडल स्टिक का भी थोड़ा बहुत बता रखा है, तो वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, ओके। सो सिंपल है गाइज, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पर, बहुत ही ईजी है। जस्ट आपको क्या करना है, मार्केट में थोड़ा टाइम बिताना है, एंड प्रैक्टिस मस्ट बी, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं सीख पाओगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हर एक चीज़ के लिए। तो प्रैक्टिस अच्छे से करना, मार्केट में टाइम स्पेंड करना, एंड इस टाइप के पैटर्न को फाइंड आउट करके पहले डेमो पे प्रैक्टिस करना, फिर उसके बाद लाइव अकाउंट पे ट्रेड करना, ठीक है। और जो लोग कंटिन्यूसली प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, वो लोग हमारा कॉटेक्स का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, प्रॉक्सी ट्रेडर ऑफिशियल। देन आपको अगर रिजल्ट मिला तो फिर आप वीवीआईपी ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ओके। सो वीडियो इतना ही है गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर से एक लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो लोग भी न्यू मेंबर हैं। एंड मिलते हैं फिर एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना, एंड ऑल्सो अपना फैमिली का भी ध्यान रखना। मिलते हैं फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।